हाय गेज वेलकम बैक टू ट्रिंकर्स यूट्यूब चैनल माय नेम इज शुभम एंड आज हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं कि जो हमारे कॉल एंड पुट ऑप्शंस होते हैं जो हम सुनते आ रहे हैं कि जो कॉल ऑप्शन होते हैं एंड पुट ऑप्शन होते हैं वो एग्जैक्ट exactly होते होते क्या है लास्ट वीडियो में हमने ब्रीफ में समझा अबाउट ऑप्शन हमने ये भी देखा कि जो हमारे फाइनेंशियल होते हैं वो क्या 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 एंड उसके टाइप्स क्या है इफ़ यू हैव नॉट येट वॉच दैट वीडियो यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच इट नो ऑप्शन में जाने से पहले लेट्स लुक एट सीरियर लेट्स से कि हम एक स्टॉक लेते हैं रिलायंस का एंड लेट से योर बुलिश ऑन दिस स्टॉक आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिलायंस का प्राइस आगे जाके ऊपर बढ़ने वाला है फॉर सम अदर रीजन्स नव अगर आप किसी स्टॉक पे बुलिश हो सो व्हाट अदर ऑप्शंस डू यू हैव अगर आपको एक लॉन्ग पोजीशन लेनी है रिलायंस में एक तो आप कह सकते हो कि मुझे जाके सीधा स्टॉक बाय करना है तो यू कैन डायरेक्टली बाय द स्टॉक ऑफ रिलायंस सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कि आप फ्यूचर बाय कर सकते हो थर्ड ऑप्शन है कि आप एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो फोर्थ ऑप्शन है कि आप एक पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो तो ऐसे टाइम पे वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू डिच दिस स्टॉक बाइंग वाला ऑप्शन एंड वाई समवन वॉन्ट टू गो विद फ्यूचर कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन तो इसका सिंपल सा रीजन है जो हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया था दैट इज कि यहाँ पे आपको फोर टू फाइव टाइम्स लेवरेज मिलता है इसीलिए पीपल गो विथ फाइनेंशियल डेरेवेटिव लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शन तो सिंस वी आर डिस्कसिंग ऑप्शन टूडे लेट्स कीप आर फ्यूचर वाला ऑप्शन हम जब फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे देन विल डिस्कस हमारा फ्यूचर वाला ऑप्शन तो so, इसमें अभी हमारे पास दो ऑप्शन है दट इज हमारा कॉल ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन बाय करना या फिर हमारा कुट ऑप्शन सेल करना सो so, जो ये हमारा सेलिंग वाला पार्ट है ये काफी बड़ा है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सो टूडे वी आर फोकसिंग ऑन हमारा बाइंग अ कॉल ऑप्शन सो जो हमारा सेलिंग वाला टॉपिक है वो सेलिंग वाला टॉपिक काफी बड़ा है काफी टाइम लेगा ले उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सो टूडे वी आर डिस्कसिंग की वॉट आर कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन एंड उसके हम बाइंग साइड को देखेंगे नाउ विल सी वट इज आर कॉल ऑप्शन एंड वट आर पुट ऑप्शन एंड उसके बाइंग वाले पार्ट के बारे में हम समझेंगे सो so अगर हम कॉल ऑप्शन की डेफिनेशन देखें सो कॉलोप्शन आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लीगेशन टू बाय अ स्टॉक बॉन्ड कमोडिटी और एनी अदर एसेट और इंस्ट्रूमेंट एट अ स्पेसिफिक प्राइस विद अ स्पेसिफिक पीरियड नाउ यहाँ पे आपको दो तीन चीजें मिल रही होंगी कॉल ऑप्शन इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे राइट बट नॉट द ऑब्लीगेशन टू बाय अ स्टॉक बॉन्ड कमोडिटी और एनी अदर एसेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस विद अ स्पेसिफाइड पीरियड और स्पेसिफिक टाइम तो इसमें जो हमारा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है वो है हमारा कॉल ऑप्शन इसमें कॉल ऑप्शन के बारे में उसका नेचर दिया हुआ है राइट बट नॉट द ऑब्लीगेशन टू बाय जो हमारा खरीदना एंड जो हमारा स्टॉक बॉन्ड कमोडिटी और एनी अदर एसेट क्लास है वो है हमारा अंडरलाइन सिंस ऑप्शन इज़ अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव तो वो अपनी वैल्यू किसी और अंडरलाइन से डिराइव करता है सो so, वो वो अंडरलाइन हो सकता है हमारा स्टॉक बॉन्ड कमोडिटी और एनी अदर एसेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस जो है हमारा स्ट्राइक प्राइस जो आप यहाँ पे देख सकते हो एक एग्जाम्पल एंड हमारा होता है एक स्पेसिफिक पीरियड जो कि है हमारा एक्सपिरीशन डेट तो ऐसे टाइम में अगर हम एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव को बाय कर रहे हैं तो ऐसे टाइम में हमें एक सेलर भी चाहिए एंड इसमें जो सेलर होते हैं अ सेलर इज ऑब्लिगेटेड टू सेल द एसेट इफ द बायर एक्सरसाइज इट्स कॉल तो जो हमारा कॉल ऑप्शन होता है हमारा सीई होता है वो बेसिकली एक बुलिश डायरेक्शन एक अपर डायरेक्शन को दर्शाता है तो इफ वी बाय अ कॉल ऑप्शन वी आर बुलिश ऑन द अंडरलाइन दैट मीन्स इफ यू आर बुलिश ऑन द अंडरलाइन यू कैन बाय अ कॉल ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए आपको एक छोटी सी फी देनी पड़ती है यू कैन कॉल इट अ प्रीमियम नाउ इफ यू होल्ड द ऑप्शन टिल एक्सपायरी एंड डिसाइड टू एक्सरसाइज इट द सेलर ऑफ द कॉल ऑप्शन नीड्स टू गिविव यू द डिलीवरी ऑफ द अंडरलैन जैसा मैंने पहले बोला था जो हमारा स्पेसिफाइड प्राइज होता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो दैट इज आर स्ट्राइक प्राइज एंड जो स्पेसिफाइड टाइम होता है ड्यूरिंग विच द सेल कैन बी मेड इज नोन एज द एक्सपरेशन और टाइम टू मेचोरिटी अब यहाँ पे हमने निफ्टी का सेप्टेबर वाला लिया हुआ है दिस इज आर मंथली एक्सपायरी इंडेक्स में हमारा वीकली एक्सपायरी भी होता है उसमें आपको ऐसा डब्ल्यू दिखेगा एंड उसमें आपको वीकली का जो डेट होगा वो भी दिखेगा एंड मंथ भी दिखेगा नाउ कॉल ऑप्शन मे बी परचेज फॉर स्पेक्यूलेशन और दे कैन बी सोल्ड फॉर इनकम पर्पज और टैक्स मैनेजमेंट एंड अदर थिंग्स एज वेल जो like हमारे कॉल ऑप्शन होते हैं दे कैन ऑल्सो भी कंबाइंड विद अदर फाइनेंशियल डेरेवेटिव लाइक हमारे फ्यूचर्स और उसके साथ साथ हम किसी और स्ट्राइक प्राइस को सेल कर सकते हैं बेसिकली वी कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल डेरेवेटिव टू मेक अ स्ट्रेटेजी टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट्स टेक एन एग्जाम्पल सो लेट्स से कि रिलायंस अभी थ्री थाउजेंड पर चल रहा है सो फॉर सम फंडामेंटल और टेक्निकल रीजन आपको लगता है कि जो रिलायंस का स्टॉक प्राइस है वो ऊपर जाएगा सो यू डिसाइड टू बाय अ कॉल ऑप्शन ऑफ रिलायंस विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ थर्टी वन हंड्रेड उसकी एक्सपायरी हम रखते हैं सप्टेम्बर क्योंकि आपको लगता है कि सप्टेबर के इसी मंथ में वो बढ़ेगा एंड उसके लिए कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए आपको एक प्रीमियम देना पड़ेगा फॉर फाइव पॉइंट सिक्स जीरो रुपीज लेट अज्यूम विद अ क्वांटिटी ऑफ टू फिफ्टी तो इसमें अभी हम इसको डीकोड करना सीखेंगे इसमें जो है हमारा टू फिफ्टी है वो एक लॉट साइज है लॉट साइज मतलब हम किसी अगर हम कोई एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो उसमें एक लॉट साइज़ होता है उसका मतलब कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आपको इतनी क्वांटिटी ये वाले प्राइस पे लेनी पड़ेगी एंड वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आपको ये प्रीमियम देना पड़ेगा इनटू हमारा जो क्वांटिटी है वो सो हियर यू विल बी इन अ प्रॉफिट इफ़ रिलायंस गोज अबव थर्टी वन हंड्रेड एंड एट दैट टाइम आपके पास दो ऑप्शन है आइदर यू कैन स्क्वेयेर ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट एंड जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बढ़ा होगा फ्रॉम फाइव रूपी टू टू लेट सेट टेन रुपीजीज और फिफ्टीन रुपीज़ अगर ये जितना भी बढ़ता है तो ऐसे टाइम पे आपके पास दो ऑप्शन है आइदर यू कैन स्क्वेर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब एज आई सेड कि आपके पास राइट right होता है बट नॉट द ऑब्लिगेशन तो सिंस यू आर नॉट ऑब्लगेटेडेडेडेडेड अगर आपने ये चूज़ किया कि आप उसको सेल सेल कर देते हो तो ऐसे टाइम पे यू कैन जस्ट गेट यूर प्रॉफिट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंड आपको कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने की जरूरत नहीं है और सेकेंड ऑप्शन इज़ अगर आप शेयर को बाय करना चाहते हैं सो यू कैन होल्ड द कॉन्ट्रैक्ट टिल एक्सपायरी एंड देन एट दैट टाइम यू नीड टू बाय द शेयर फॉर थर्टी वन हंड्रेड एंड आपको जो क्वांटिटी लगेगी दट वट दैट विल भी ट्वेंटी फिफ्टी सो हाउ इज दिस एडवांटेजेस फॉर यू लेट से कि रिलायंस का प्राइस जाता है थर्टी टू हंड्रेड एंड आपने एक ऑलरेडी एक हमारा कॉल ऑप्शन लेके रखा है रिलायंस का तो ऐसे टाइम पे इफ यू डिसाइड टू एक्सरसाइज द कॉल ऑप्शन तो आपको 3100 ही देने पड़ेंगे टू बाय द 250 फिफ्टी क्वान्टिटी ऑफ रिलायंस अभी मार्केट प्राइस हमारा चल रहा है 3200 बट सिंस यू बॉट अ कॉल ऑप्शन आपको 3100 में ही 250 फिफ्टी क्वांटिटी मिलेगी तो इसमें जो आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट आएगा सेलर की जेब से क्योंकि जो सेलर है उसने उसका यह डायरेक्शन था कि रिलायंस ये मंथ थर्टी के ऊपर तो नहीं जाएगा सो so ये था एक्सप्लेनेशन एक कॉल ऑप्शन का आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी का भी एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे निफ्टी जो है दैट इज़ हमारा अंडरलाइन जो हमारा सितंबर है वो यहाँ पे दिखाता है कि हमारा एक्सपेरेशन क्या है दिस इज़ आर स्पाइक प्राइस जो सीई होता है वो कॉल ऑप्शन बताता है एंड जो जैसा लास्ट वीडियो में बोला था कि जो हमारे ऑप्शन होते, है, होते हैं वो अमेरिकन टाइप के होते हैं एंड यूरोपियन टाइप के होते हैं सिंस इन इंडिया वी यूज यूरोपियन ऑप्शन इसलिए यहाँ पे कॉल यूरोपियन दिखा हुआ है सो नाउ दैट वी नो अबाउट कॉल ऑप्शन लेट्स लुक एट इट्स पे ऑफ ग्राफ तो पे ऑफ ग्राफ या पे ऑफ चार्ट क्या होता है नाउ पे ऑफ ग्राफ्स और पे ऑफ चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑप्शन पे ऑफ बेसिकली इट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन कि आपका कितना रिस्क है अगर आप लूज करेंगे तो कितना लूज करेंगे अगर आप प्रॉफिट कमाएंगे तो कितना कमाएंगे एंड किस पॉइंट पे कमाएंगे वो सब का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको पे ऑफ चार्ट में मिलेगा नाउ डोंट गेट कन्फ्यूज अगर आपको ये नहीं समझ रहा है विल लुकेटेड इन अ वेरी इजी मैनर नाउ एज वी कैन सी हियर फॉर अ कॉल ऑप्शन जो हमारा बाय पोजिशन है हमारा जो ग्राफ है उसमें लेफ्ट में यहाँ पे जाके जो हमारा ग्राफ है वो रुक गया है दैट मीन्स कि हमारा जो लॉस है वो लॉसेस कैप्ड है एंड हमारे जो प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट्स यहाँ पे थियोरेटिकली अनलिमिटेड है न इसमें जो हमारे प्रॉफिट्स है वो थियरेटिकली अनलिमिटेड क्यों है एंड हमारे जो लॉसेज है वो कैप्ड क्यों है सो दिस इज अ पे ऑफ चार्ट फॉर अ बाय पोजिशन ऑफ कॉल ऑप्शन तो इसमें सिंस वी आर बाइंग अ कॉल ऑप्शन हमारे पास राइट right है बट नॉट द ऑब्लीगेशन सो सिंस वी हैव द राइट ऐसे टाइम पे अगर जो पोजीशन है वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो हमारा जो मैक्सिमम लॉस होगा दैट विल बी द प्रीमियम पेड तो इसीलिए जो हमारा मैक्सिमम लॉस है वो हमारा प्रीमियम पेड होगा इसीलिए वो यहाँ पे कैप्ड है एंड ऐसे टाइम में थियोरेटिकली तो स्टॉक कितना भी ऊपर जा सकता है तो इसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट है इफ़ वी होल्ड अ कॉल ऑप्शन वो हमारा थियोरेटिकली अनलिमिटेड है न जो हमारा कॉल ऑप्शन है वो तो ऐसा हुआ ऐसा ही हमारा पुट ऑप्शन होता है अगर आपको कॉल ऑप्शन ईजिली समझा है तो आपको पुट ऑप्शन भी बहुत ईजिली समझ जाएगा सो लेट्स मूव ऑन टू आर पुट ऑप्शन वाला एग्जाम्पल तुम्हारा जो पुट ऑप्शन होता है अ पुट ऑप्शन और अ पुट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द ऑप्शन बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लीगेशन टू सेल और शॉर्ट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अंडरलाइंग एसेट एट अ प्री डिटर्मिन प्राइस विद अ प्री डिटर्मिन टाइम फ्रेम तो अगर आपको कॉल ऑप्शन का डेफिनेशन याद होगा तो इसमें बोला था राइट बट नॉट द ऑब्लगेशन टू बाय यहाँ पे बोला गया है राइट बट नॉट द ऑब्लीगेशन टू सेल नाउ तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो तो हमारा कॉल ऑप्शन था अगर वो हम बाय करते हैं तो वी आर बुलिश ऑन द स्टॉक एंड अगर हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं सो वी आर बेयरिश ऑन द स्टॉक मीन्स वी विल मेक मनी इफ हमारा जो अंडरलाइन का प्राइस है वो नीचे जाता है हमारा जो पुट ऑप्शन है इट गेन्स वैल्यू वेन द अंडरलाइन प्राइस डिक्लाइंस एंड लूजर वैल्यू इफ द एसेट्स प्राइस और हमारा अंडरलाइन प्राइस इंक्रीजेस अगेन लाइक हमारा कॉल ऑप्शन फॉर पुट ऑप्शन यू नीड टू पे अ फी विच इज नोन एज द प्रीमियम and put options are affected by underlying asset prices, strike price, time to expiration, volatility, interest rates, etc. उसमें Greeks भी होते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे Just like put options हमारे call options भी इन सब चीज़ों से affect होते हैं Now call option के साथ साथ put option का और एक added use है that is to hedge their position. Call option का भी use होता है but put option का थोड़ा ज़्यादा होता है Investors use put option as a risk management strategy or a risk management tool. उसमें क्या करते हैं कि जो हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल लिया था लेट से कि कोई इन्वेस्टर है जो मेजारिटी अपना निफ्टी फिफ्टी में स्टॉक्स इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं जिनका मेजारिटी इन्वेस्टमेंट अपना निफ्टी फिफ्टी स्टॉक्स में है तो ऐसे टाइम में अगर निफ्टी फिफ्टी की वैल्यू बहुत गिर जाती है फॉर सम अदर रीजनस तो ऐसे टाइम पर उन्हें काफी लॉस हो सकता है तो ऐसे टाइम पर वो निफ्टी का एक पुट ऑप्शन लेके बैठ सकते हैं जिसकी वैल्यू बढ़ेगी वैन निफ्टी गोज डाउन तो ऐसे टाइम पर उनके जो लॉसेज है वो लॉसेज कम हो जाएंगे तो जैसा हमें हमने कॉल ऑप्शन में देखा था वैसा ही यहाँ पे एक पुट ऑप्शन का एग्ज़ाम्प है जो हमारा निफ्टी है दैट इज़ आर अंडरलाइंग एसेट जो हमारा सेप्टेंबर है वो सप्टेंबर यहाँ पे हमारा है एक्सपीरेशन टाइम जो हमारा ये है जो हमारा वैल्यू है फिगर्स है दैट इज़ आर स्ट्राइक प्राइस जो पी ए है जो पी ई लिखा हुआ है यहाँ पे दैट इज़ आर पुट यूरोपियन जो हमारा सी ई था दैट वाज़ आर कॉल यूरोपियन एंड जो हमारा पी ई है दैट इज़ आर पुट यूरोपियन सी ई में हमारा डायरेक्शन था अपवर्ड्स पी ई में हमारा डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स अगर हम बाय करते हैं तो इसमें भी लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस तो लेट से की रिलायंस इज अगेन एट थ्री जो कि है बट दिस टाइम यू एंटिसिपेट कि जो हमारा रिलायंस का प्राइस है वो नीचे जाने वाला है एंड दैट्स वाई यू यू वॉन्ट टू टेक अ बेयरिस्ट पोजिशन उसमें सो यू डिसाइड टू बाय पुट ऑप्शन विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ ट्वेंटी नाइन हंड्रेड फॉर एट रुपीज़ एंड उसकी अगेन जो हमारी क्वांटिटी होती है वो होती है टू फिफ्टी तो इस टाइम पे नाउ व्हाट यू आर एंटिसिपेटिंग कि जो हमारा रिलायंस का प्राइस है जो जो हमारा एक्सपायरी है वो एक्सपायरी तक 2900 के नीचे जाएगा यू विल मेक प्रॉफिट अगर वो जो, अगर जो हमारा अंडरलाइन का प्राइस है वो 2900 के नीचे जाता है देन यू विल मेक अ प्रॉफिट नाउ इफ लेट्स से कि हमारा स्टॉक जो है वो ट्वेंटी पे जाता है तो एट द टाइम यू विल बी इन अ प्रॉफिट अगेन आपके पास दो ऑप्शन होते हैं एक तो आप सीधा कॉन्ट्रैक्ट को स्क्र ऑफ कर सकते हो एंड यू कैन गेट सम ऑफ अदर प्रॉफिट्स और यू कैन डिसाइड टू गिव द डिलीवरी नाउ इसमें आप प्रॉफिट में कैसे आओगे Let's से यू डिसाइड टू give द delivery. आपने डिसाइड किया कि आप उठ ऑप्शन को होल्ड करके रखते हो एंड यू विल डिसाइड एंड यू हैव डिसाइडेड टू गिव द delivery. तो ऐसे टाइम पे जो हमारा करंट प्राइस है that इज एट ट्वेंटी नाइन हंड्रेड बट जो हमारा बाइंग जो हमारा सेलिंग प्राइस था दट वॉज ट्वेंटी नाइन हंड्रेड तो ऐसे टाइम पे अगर आप ट्वेंटी नाइन हंड्रेड में बेचते हो एंड अगर आप मार्केट से वापस ट्वेंटी एट हंड्रेड में बेचते हो तो आपका सौ रूपीस का जो फिट हुआ वो था आपका इस टाइम पे प्रॉफिट एंड जो ये हमारा प्रॉफिट आता है ये आता है सेलर ऑफ द सेम ऑप्शन

इसमें वी कैन सी दैट जो हमारा लेफ्ट साइड है उसमें हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट दिख रहा है एंड हमारा जो राइट right साइड है उसमें हमें लिमिटेड लॉसेस दिख रहे हैं सो इफ यू कंपेयर दिस टू हमारा कॉल ऑप्शन का पे ऑफ चार्ट दिस इज अ कंप्लीट मिलर इमेज हमारा जो पुट ऑप्शन का पे ऑफ चार्ट है वो इसीलिए है क्योंकि वैन वी बाय अ पुट ऑप्शन वी आर एंटिसिपेटिंग दैट वो नीचे जाएगा तो यहाँ से अगर वो प्राइस ऊपर जाना चालू होता है एसेट का सो वॉट वी विल मैक्सिमम सो मैक्सिमम जो हमारा लॉस होगा दैट विल बी आर प्रीमियम पेड इसीलिए यहाँ पे हमारे जो लॉसेज है वो कैप्ड है एंड इफ इट स्टार्ट्स गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारे प्रॉफिट्स आर थियोरटिकली अनलिमिटेड तो ये था एग्जाम्पल हमारे पुट ऑप्शन के बाय पोजिशन के पे ऑफ चार्ट का इसके बाद हम देखते हैं कि हम प्रैक्टिकली जो हमारे कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन है वो कहाँ से बाय कर सकते हैं वो हम कैसे देख सकते हैं सो दिस इज द ब्रोकिंग टर्मिनल एंड यहाँ पर आपको जिस जिस भी अंडरलाइन का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन लेना है आपको यहाँ पर सर्च बार में वो अंडरलाइन को वो इंट्रूमेंट को आपको डालना पड़ेगा सो बिफोर वी टेक एन एग्जाम्पल जस्ट डिस्कलेमर की जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिए गए है दोज़ आर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज दिस आर नॉट बाइंग अर सेलिंग एडवाइस तो चलो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस कि रिलायंस कहाँ पे चल रहा है एंड उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन हम कैसे ले सकते हैं सो हियर राइट नाउ रिलायंस इज मूविंग एट रिलायंस इज करंटली एट टू नाइन सिक्स सेवन पॉइंट जीरो फाइव ये वाले लेवल्स पे भी रिलायंस चल रहा है सो फॉर सम रीजनस अकॉर्डिंग टू माई फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस मेरा ऐसा कहना है कि जो रिलायंस है वो सप्टेम्बर के एंड तक थ्री थाउजेंड के ऊपर क्लोज होगा सो बेसिकली विच मीनस दैट आई एम बुलिश ऑन रिलायंस इसीलिए आई विल बाय अ कॉल ऑप्शन इन दिस केस सो हम रिलायंस डालेंगे एंड यहाँ पे हमारा जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो होगा थ्री थाउजेंड एंड यहाँ पे सी सो एज़ यू कैन सी हियर हमारा जो रिला re, हमारा जो रिलायंस है वो है हमारा अंडरलाइन आर सितंबर इज़ आर एक्सपायरी हमारा थ्री थाउजेंड जो है दैट इज़ आर स्ट्राइक प्राइस एंड हमारा जो सी ई है दैट इज़ यूरोपियन कॉल ऑप्शन यहाँ पे सितंबर जो है मंथली है अगर आप फॉर एग्जांपल निफ्टी लोगे तो एज आई सेट जैसा यहाँ पे आपको अभी निफ्टी फाइव फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्वेंटी फाइव टू टू हंड्रेड डालू तो यहाँ पे आपको वीकली भी दिखेगा यहाँ पे निफ्टी थर्ड थर्ड अक्टूबर का वीकली एंड यहाँ पे जो अगर कहीं पे भी डब्ल्यू नहीं दिख रहा है तो दोज आर मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका यूजुअली लास्ट थर्सडे को निफ्टी का लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होता है तो हमारा जो रिलायंस है हम रिलायंस का सप्टेम्बर के एंड तक लेट्स कि जब एक्सपायरी है तब तक आई एम थिंकिंग रिलायंस थ्री के ऊपर जाएगा इसीलिए आई एम बाइंग कॉल ऑप्शन सो यहाँ पे आ आई कैन बाय और यहाँ पर मैं सीधा लिख सकता हूँ रिलायंस थ्री एंड यहाँ पे आई कैन एडिट टू माई वॉच लिस्ट तो यहाँ से भी आप देन बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो तो यहाँ पे इफ़ यू सी दिस इज़ आर रिलायंस ये हमारा अंडरलाइन हमारा एक्सपायरी हमारा हमारा स्ट्राइक प्राइस हमारा कॉल ऑप्शन एंड यहाँ पे जो 250 फिफ्टी क्वान्टिटी है दैट इज़ आर लॉट साइज़ यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है एक लॉट 250 तो अगर आपको क्वांटिटी लेनी है सो यू कैनॉट बाई टू फिफ्टी आपको दो लॉट लेने पड़ेंगे सो दैट मीन्स आपको 250 के मल्टीपल्स में लेना पड़ेगा जैसे 750 हो गया 1000 हो गया 1250 हो गया वैसे करके सो लेट से फॉर आई एम बेरिश ऑन रिलायंस एंड मैं ये कहता हूँ कि सप्टेम्बर के एंड तक जब तक एक्सपायरी है तब तक ये ट्वेंटी के नीचे जाएगा सो इसीलिए आई विल गो एंड बाय रिलायंस का ट्वेंटी नाइन हंड्रेड का पुट ऑप्शन तो पे as you, as you can see, यहाँ पे एज एज यू यू कैन सी प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे यू कैन बाय रिलायंस का सितंबर 2900 स्ट्राइक प्राइस पुट ऑप्शन हमारा क्वांटिटी है 250 फिफ्टी so, सॉरी अगर आपको और क्वांटिटी लेनी है यू कैन इंक्रीज योर लॉट्स एंड यहाँ पे फिर मार्जिन भी बढ़ेगा एंड हियर यू कैन बाय योर पुट ऑप्शन नाउ आज हमने जितना भी देखा दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन दिस इज जस्ट द बेसिक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में और बहुत सारे एडवांस टॉपिक्स है जो आने वाली वीडियोज में हम कवर करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन बिना समझे करना इज़ वेरी रिस्की तो आपको प्रॉपरली समझ के ही फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेस देने सो आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू ट्रिंकर्स यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट थैंक यू